कानपुर में पारिवारिक कलह के चलते रविवार की रात को एक युवक कानपुर उन्नाव गंगा पुल पर सुसाइड करने पहुंच गया। परिवार के लोग भी उसे बचाने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़े, लेकिन तब तक वह पुल की रेलिंग पर जाकर बैठ चुका था। इसके बाद परिवार के लोग ऐसा ना करने के लिए उसके हाथ पैर छोड़ने लगे। इस दौरान सूचना पर कैंट पुलिस भी मौके पर पहुंची और युवक को दबोचने के बाद उसे परिवार वालों के हवाले कर दिया। कैंट थाना प्रभारी कमलेश राय के मुताबिक छोटी बीबी का हाता के रहने वाले 24 साल के कुणाल कश्यप रविवार रात को घर में झगड़ा करने के बाद गंगा घाट स्थित पुल पर पहुँच गए थे। इस दौरान वह पुल की रेलिंग पर बैठकर छलांग लगाने ही जा रहे थे कि तभी पीआरवी 4755 के सिपाही शिवश्याम यादव ने तत्परता दिखाते हुए कुणाल को पीछे से पकड़कर रेलिंग से उतार लिया। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें दिख रहा है कि एक युवक पुल की रेलिंग पर बैठा है, तभी अचानक से एक सिपाही आता है और युवक को पकड़कर रेलिंग से नीचे उतार लेता है। इस घटना के दौरान युवक के पिता कमल किशोर भी मौके पर पहुंचे थे। वो हाथ पैर जोड़ रहे थे और कह रहे थे कि बेटा कूदना नहीं, बेटा पुल की रेलिंग से लटक कर कूदने की धमकी दे रहा था। परिवार के लोगों ने इस बात की जानकारी पुलिस को भी दी थी। इधर पिता बेटे से हाथ जोड़ते रहे और पीछे से आए कांस्टेबल शिवश्याम यादव ने उसे दबोच लिया। पिता कमल किशोर ने बताया कि बेटा शराब पीकर घर आया था, जिस बात को लेकर घर में विवाद होने के बाद वह गुस्से में घर से निकल गया था। वह भी बेटे को समझाने के लिए उसके पीछे जा रहे थे, तभी बेटा धमकी देते हुए घर से निकल गया। हम लोग भी उसके पीछे भागे। वह पुल की रेलिंग पर जाकर बैठ गया और कूदने की धमकी देने लगा। इस पर उन्होंने ऐसा नहीं करने की बेटे से मिन्नतें की, साथ ही पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए युवक को बचा लिया। चांद खान, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।